झांसी के थाना प्रेमनगर अंतर्गत सीबरी बाजार स्थित माल गोदाम के पास आज शुक्रवार की सुबह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आपको बताते चलें कि आज सुबह प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सीपरी बाजार माल गोदाम के सामने एक अज्ञात व्यक्ति के शव के पड़े होने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर किसी प्रकार परिवार से संपर्क साधा गया। जानकारी के दौरान पहचान करने पर मृतक का नाम विजय रायकवार पुत्र मुन्ना लाल रायकवार जो सीपरी बाजार के सिंघलपुरा का निवासी है के रूप में हुई। विजय मजदूरी का काम करता था और शराब के सेवन का आदि था। गुरुवार की सुबह काम पर जाने का बोलकर घर से निकला था। इसके बाद करीब रात 8 बजे पत्नी हल्का देवी के पास एक दोस्त का फोन आया कि विजय उसके साथ है। इसके बाद शुक्रवार की सुबह तड़के माल गोदाम के पास उसका शव पड़ा मिला। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दो अज्ञात युवक बाइक पर उसे लेकर आए और माल गोदाम के पास छोड़कर चले गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या नाम है माता जी आपका? आपका नाम बता। अरे क्या दिया जी, ये खत्म हो गए। ये कौन है आपके पति? हमारे घर वाले। ये कब निकले थे घर से? जो सुबह निकल आए थे 8 बजे काम करने। कब? कब? कल सवेरे। उसके बाद रात में घर पे नहीं? रात में नहीं आते। एक जना ने हमें फोन लगाया रात में 8 बजे। 8 बजे फोन लगा दे, कह रहा हमारे घर पे आएंगे। वो काम होती जी। कौन है? उनके दोस्त वगैरह थे? दोस्त हैंगे, दुकान है जी, पीते है ना उधर। हाँ। उधर बैठे थे तो कह रहा भाभी तुम का बोलती वो नहीं जाओ, चिंता नहीं करो, अपने घर ही जैसे घर पे। हमने एक बार बोला है उनसे, भैया जी घर से निकले तो मैं एक बार फोन लगा दूंगा। विजय रायकवार, इनकी उम्र करीब 46 वर्ष है। थाना क्षेत्र प्रेमनगर के रेलवे कॉलोनी में आज इनकी डेड बॉडी मिलने की सूचना ऐसी आई थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची और तस्दीक कराया गया तो ये पता चला कि दो लोग मोटरसाइकिल पर बैठा के यहाँ पर डेड बॉडी लेके आए हैं। इन दोनों लोगों को भी पकड़ लिया गया है जो इनके दोस्त ही हैं। इनका कहना था कि रात में ये लोग खा के और नशे में दारू पी करके सोए थे। जिनकी इनकी डेथ हो जाने के बाद वो लोग घबरा गए। उनको लगा कि हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, इस डर के मारे यहाँ पर ले आकर के डेड बॉडी डाल गए हैं। बाकी परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और पूरा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अगर कोई अपराध का एंगल पाया जाता है तो परिजनों से तहरीर लेकर के उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।